गोली मारी गई है वो मेरा करीबी रिश्तेदार है, मेरा ननिहाल धरहरा है और रिश्ते में मेरा वो पोता लगेगा और हमेशा आता जाता रहता है, वो सरकारी सेवा में है, आज भी आया था, छुट्टी थी तो आया था और यहाँ से वो मिल करके गया है। अब मिलने के बाद देखिए किस प्रकार से उस पर कातिलाना हमला किया गया, गोली मारी गई है और ये बताया गया है कि साहब वो जो है उनका साथ छोड़ो और नहीं तो तुमको हम गोली मार देंगे। किनका साथ छोड़ो? हमारा। अच्छा। हमारा रिश्ता है, कैसे हमारा साथ छोड़ेगा? और जिसका नाम वो लड़का ले रहा है आप लोग पता कर लीजिएगा वो किस पार्टी में है, वो जेडीयू में है। तो देखिए नीतीश बाबू के पास अब क्या बच गया जी। देखिए इधर मेरा रोज कार्यक्रम चला, आप देख रहे हैं पूरे विधानसभा, सातों विधानसभा का कार्यक्रम हुआ, आज अंतिम अस्थमा का था। अब ये लोग इतने जो हैं बौखला चुके हैं कि राजनीतिक रूप से तो लड़ने की नीतीश कुमार की हिम्मत रही नहीं, अब क्या क्या है मेरे रिश्तेदारों को गोली मार रहे हैं, रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि भाई आवाज से किसी को बर्बाद करेंगे, अरे मुझे क्या बर्बाद करना। लेकिन जिस प्रकार आप बिहार में बिल्कुल गुंडा राज कर दिए हैं, बताइए साहब कोई अगर हमारा रिश्तेदार है मेरे पास आता है जेडीयू को लग उसको गोली मार दे, इस क्या चाहते नीतीश बाबू क्या।